गाइस, आज का फोरम में हम लोग एक एम्प्लॉई को बुलाए हैं एंड वो एम्प्लॉई फिलहाल असेंचर जैसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। चलिए उनसे जान लेते हैं, असेंचर जैसी बड़ी कंपनी में, जिसको हम लोग MNC कंपनी बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं, उसी कंपनी में SFP में जॉब करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट का जरूरत है एंड वो उस मुकाम में कैसे पहुंचे, इसको बारीकी से हम लोग समझते हैं उन्हीं से, सो दैट ये हम लोग के लिए भी एक माइलस्टोन बन जाए। सो अजय, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू रीच टू दिस पोजिशन एंड डेफिनेटली वी आर हाईली वेलकम टू दिस फोरम सिंस यू आर एसोसिएटेड विथ अस ए लॉन्ग टाइम एंड ऑलवेज बींग विथ अस एंड वी ऑल्सो होप यू विल बी विथ अस एवरी टाइम। बट टू इन टूडे फोरम कैन यू जस्ट हेल्प टू आवर स्टूडेंट How you reach this kind of milestone? Thank you, sir, for giving me such an opportunity. Actually, there is no shortcut. There is always hard work. And आपसे बेहतर तो कोई जानता नहीं होगा, sir. So my journey started in 2018 April when I joined Metaphor. A sir knows me better than anyone. Absolutely. आप जो है Metaphor Consulting को 2018 में join किए थे and हम लोग आप लोगों को भी बोल दें, इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हुए हैं मगर सारे स्टूडेंट्स सक्सेस का माइलस्टोन में पहुंचे हैं इसका कोई गारंटी नहीं होता है, उनमें से कुछ भी पहुंचते हैं। बट हाँ, Metaphor Consulting का यही एक अच्छा प्रोसीजर्स है एंड प्रोटोकॉल है, जो सक्सेस में पहुँचते हैं उनके साथ जुड़े रहते हैं एंड डेफिनेटली जो सक्सेस में नहीं पहुंचते हैं उन लोग को सक्सेस में कैसे पहुंचाया जाएगा उसका भी माइलस्टोन हम लोग ढूंढ के निकालते हैं। तो आज के डेट में जो रेशियो ऑफ सक्सेस है यहाँ पर मोर देन 80-90% है, ठीक है। चलिए हम लोग अजय को हैंड ओवर करते हैं एंड उनको बोलने देते हैं। सर, आपको तो पता ही है, जैसे व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी इन 2018 आई वाज जनवरी, आई थॉट राइट जनवरी आई कॉल सर and asking for the batches. So he just replied me that time there is a batches is full, so you need to wait. So I wait for 3 months, right sir? Yes. Then I start my journey in April 2018. First I go for the MM, right sir? Yes. That is ECC one. So I completed it, will be took around 3 or 4 months. Then in that time I didn't know about the SAP. So this is my beginning that time. So I learned many things. Then I that is like enhance my hunger. So after that I go for the S/4HANA, simple logistics. So I learn many module like MMPP as well as PM and FI and SD. There is 5 module. I go for that. I already completed. Then I started giving interviews, preparing for interviews. Right, sir. Sir told us to go and mock session. They give 3 mock session. Yes, 3 mock session on that. In those resume preparation, sir helped me a lot. Even those in the class when, right sir, we are reading till 11:30 night. कुछ चीज़ यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ जो अजय हाईलाइट करना चाह रहे हैं। सबसे पहला चीज है कि जो क्लासेस चलती थी, मतलब उसका कोई बाउंड्री नहीं था। बाउंड्री इन द सेंस, ऑल्दो द क्लास टाइम इज 2 hours. But these guys are sitting up to night 11 o'clock, 11:30 itself, because they are more enthusiastic to learn. पढ़ने का और सीखने का जो भूख प्यास है वो उनमें था, जिसके वजह से आज आप देख सकते हो कि वो असेंचर जैसा कंपनी में जॉब कर रहे हैं। आप सबसे पहले अजय दिखाइए कि आप असेंचर में रियली काम करते हैं कि नहीं करते हैं। That also we can able to believe it. Okay. So guys, you can see here, this is his ID card. Can you show me? Yes, sir. Yeah, of course. So here Ajay is working and this is his ID card. Okay. मैं दोबारा इसको दिखा दे रहा हूँ. Sir will tell the story. What is the story behind that? Definitely. तो सारे चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, इस कंपनी में वो कैसे पहुंचे, क्या एक ही जंप में वो पहुंच गए या उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ा, वो सारा चीज वो बताएंगे। मगर यहाँ पर अजय कुछ चीज बताना चाह रहे थे जो कि मैं थोड़ा सा उसको एलाबरेट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले वो जब भी Metaphor Consulting में ज्वाइन करने आए थे उस टाइम हम लोग के पास सीट नहीं था, वो काफी हद तक वेट किए
3 months. Okay. 3 महीना वो वेट किए. 3 महीना वेट करने के बाद वो मेटाफर कंसल्टिंग के साथ जुड़े. प्रोबेबली उसी बीच में वो चाहते तो और किसी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते थे. बट आई रियली डू नॉट नो वॉट इज द स्टोरी बिहाइंड. वो खुद ही बता सकते हैं ओके क्यों मेटाफर कंसल्टिंग के लिए वो 3 महीना वेट किए. मगर हाँ, जो वेट 3 महीना किए, आज उसका सक्सेस उनको मिल रहा है. उनका रिजल्ट आज उसको मिल रहा है. तो ये चीज मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ जो कुछ ही देर पहले खुद ही हाईलाइट किए थे. चलिए अजय, आप बताइए कि आपका जो पहला जॉब कहाँ लगा था कंप्लीशन के बाद, उसके बाद आप कैसे कैसे असेंचर में पहुंचे. इट्स 2019 मार्च आई वेंट फॉर द इंटरव्यू टाटा स्टील. जैसे आप लोग भी शायद बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोग काम कर रहे होंगे. हमारे बैच में से 3 स्टूडेंट थे. नाउ वन इज इन विप्रो, ही जस्ट रिजाइन और ही ज्वाइन न्यू कंपनी, आई डोंट नो, ही इज इन पुणे. और एक दुर्गा इज सेकेंड वन, ही इज ऑल्सो स्टिल ही इज वर्किंग विद टाटा स्टील. एंड आई एम द थर्ड गाई. अब मैं स्टार्ट किया था टाटा स्टील से 2019 में. मार्च में इंटरव्यू था मेरा. आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, देर इज 20% ओवर देयर. सो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु वेंट फॉर द इंटरव्यू एंड आई वॉज सेलेक्टेड. इवन दो देर इज वन मोर गाई, अविनाश इज देयर. इनके बैच में 4 मेंबर थे टोटल. पहले 3 मेंबर के साथ क्लास शुरू हुआ था, लेटर ऑन अविनाश जो है वो ज्वाइन किए थे. तो चारों मेंबर क्लास शुरू किए थे एसएपी में एंड चारों मेंबर आज के डेट में बड़ी अच्छी कंपनी में है. सबके सब अच्छे कंपनी में है एंड विथ ए हैंडसम पैकेज ऑल्सो. स्टार्टिंग मेटाफर कंसल्टिंग के थ्रू से हुआ है. मेटाफर कंसल्टिंग उनको एक अच्छा जगह पर पहुंचाया. लेटर ऑन दे कैन एबल टू आइडेंटिफाई देयर जर्नी. सो आप एक शॉट में समझ सकते हैं कि जो चारों पढ़े थे तो चारों का प्लेसमेंट भी हुआ था. ठीक है, दैट्स मीन्स 100% प्लेसमेंट. चलिए आगे बढ़िए. देन आई लाइक टू नो अबाउट दैट मार्च अप्रैल अप्रैल दे कंफर्म मी. सो जून वी ज्वाइंड टाटा स्टील एंड टू जून 2019 आई स्टार्ट माई जर्नी एज अ फ्रेशी. सो दैट इज द biggest journey of my, and that time when I was joined like you always I'm asking for sir Accenture is my dream company, so I just wanted to join that company, so please tell me how I can prepare for that and all that. So that's why I'm laughing when I show ID card, because this is the first time, right sir? Yes, after my joining because of COVID and all that, so I didn't meet sir for a long time, but continuously we are in touch with him. So I'm So that time I joined and I start my journey as freshie. After 2 years, I completed 2 years. I learned many things from them. There is so many seniors. They helped me a lot. I mean, well, when I feel low, I call sir. At night, 2 p.m., even though I spoke with him so many times. रात को 2 बजे भी कॉल किया मैंने सर को. बिल्कुल. इंटरव्यू से एक दिन पहले मैंने सर को रात को 2 बजे फोन किया था. सर बोले थे कभी भी कर लेना तुम कॉल. I'm here for you. But 2 बजे के बाद नहीं. तो मैंने सर को रात को 1:35 में पिंग किया. व्हाट्सएप पे सर कल इंटरव्यू है सर, आई एम नॉट फीलिंग गुड सर पहले कॉल करो. सो जस्ट आई कॉल हिम एंड स्पोक विद हिम 25 मिनट्स. 2 बजे मैंने कॉल रखा था, मेरे को याद है. तो जब भी मेरे को जरूरत पड़ा मैंने आवाज नीड हेल्प, सर इज ऑलवेज लाइक अ ब्रदर, हमेशा हेल्प किया सर ने मेरे को. आज जो भी यहाँ पे हूँ, जो भी हो, सर के कारण ही हूँ. इवन दो उसके बाद मैंने 2021 में स्टार्टेड जनवरी आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज एंड ऑल दैट. सर को मैंने पहले बोला सर आई वॉन्ट टू चेंज बिकॉज मेरे और भी फ्रेंड्स दे आर गेटिंग दिस मच सैलरी दैट मच सैलरी. सर मेरे को बोले डोंट गो फॉर दैट, यू विल अर्न मोर देन देयर, मोर देन योर पीपल. तब मैं बिलीव नहीं करता था सर के ऊपर. सर हमेशा मेरे को रोक देते थे. वेन आई एम गोइंग फॉर द चेंज आफ्टर 1 ईयर स्टार्ट माई माइंड सेट आई विल गो अदर कंपनी. तो सर मेरे को हमेशा बोले 2 साल मिनिमम यू हैव टू वेट, उसके बाद चेंज करो, मैं खुद बोलूँगा. तो आई वेट फॉर 2 ईयर्स देन आई प्रिपेयर फॉर माई सेल्फ. इसमें तो सर ने ही बहुत हेल्प किया मेरे को. उसके बाद मैंने जनवरी में इंटरव्यू दिया. मेरा 3 कंपनी में हुआ था, एक टेक महिंद्रा में, एक इन्फो सॉल्यूशन या समथिंग कंपनी भूल गया मैंने. आई थिंक तो वो उसका कुछ ऑफर लेटर भी हाँ, उसका ऑफर महिंद्रा का भी आ गया था. महिंद्रा सर मेरे को बोले नो यू डिजर्व बेटर, मत जाओ उस कंपनी में. तो दैट टाइम आई रियली कंफ्यूज यार, किसी पे अगर ऑफर मिल रहा है इवन तो सब होंगे कंफ्यूज आई थॉट कि क्यों छोड़ना. सर मेरे को हमेशा ही समझाते हैं नहीं वेट, तेरे को इससे अच्छा मिलेगा. आई नो यू, तुमको जितना नहीं पता उतना तेरे बारे में मेरे को पता है. यू डिजर्व बेटर, सो जस्ट वेट फॉर दैट. आफ्टर 1 मंथ आई वेंट फॉर द इंटरव्यू फॉर एक्सेंचर एंड आई क्लियर दैट इंटरव्यू. दैट टाइम सर टोल्ड मी, आई टोल्ड यू राइट, वेट फॉर मोर टाइम बिकॉज आई नो योर कैलिबर एंड ऑल दैट.
सो उस समय मेरे को बिलीव हुआ तो साहब लास्ट ईयर जून 2021 जून राइट आई जॉइन एक्सेंचर. दिस इज माई होल जर्नी और होल जर्नी में सर ने बहुत हेल्प किया मेरे को. इवन दो मैं सर के साथ आई एम नॉट लर्न ओनली MM और दैट सिंपल लॉजिस्टिक, उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट भी किया एक सर के साथ. और उसके बाद जब मैंने जॉब स्टार्ट किया व्हेन आई वाज डूइंग जॉब इन टाटा स्टील, उसके बीच में भी सर के साथ मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, रोमानिया वाला प्रोजेक्ट सर, याद होगा आपको, इटालियन रोमानिया. सर के साथ ऑलमोस्ट मैंने बहुत काम किया. और अब सर के साथ नेक्स्ट ड्रीम है मेरा कि फ्रीलांसिंग करना आफ्टर 2 years. और सबसे बेस्ट पार्ट इस जर्नी का है कि आई एम नाउ सर्टिफाइड S/4HANA EM सर्टिफाइड कंसल्टेंट, जो एक्सेंचर ने मेरे को दिया था. फर्स्ट अटेम्प्ट आई क्लियर दैट वन. दैट डे आई कॉल्ड सर एंड गिव हिम द गुड न्यूज, सर फाइनली आई डिड इट. बोले क्या मेरा सेकेंड ड्रीम, माई ड्रीम इज कम ट्रू सेकेंड ड्रीम, बिकॉज मेरा फर्स्ट ड्रीम था एक्सेंचर, दैट इज माई ड्रीम कंपनी. जो मैं आपके जैसे बैठता था ना यहाँ पे, तब सर को हर दिन परेशान करता था, सर I will get job in Accenture. और सर मेरे कार से बोलता था वेट, टाइम विल कम, तब तक वेट करो. और सेकेंड ड्रीम था मेरा सर्टिफाइड होना, जो मैंने अगस्त में लास्ट ईयर कंप्लीट किया, इसी ईयर अगस्त में मैंने कंप्लीट किया. तो ये था मेरा ओवरऑल होल जर्नी. मैं इसमें कुछ कुछ चीज ऐड कर रहा हूँ सो दैट आप लोग इसको बारीकी से समझ सको. अजय मेटाफर कंसल्टिंग को ज्वाइन किया था 2018 में, ओके 2018 टू 2019, एक साल कड़ी मेहनत किया पढ़ाई करने के लिए. उसी कड़ी मेहनत एक साल में बहुत सारा चीज पढ़े, रेस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट लाइन जो हम लोग पढ़ाते हैं यहाँ पर, रेस्पेक्ट टू द प्रोजेक्ट, रेस्पेक्ट टू द पर्सनल स्किल डेवलपमेंट एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट. ठीक है, ये सारा पढ़ने के बाद एक साल के बाद उनको पहला जॉब टाटा स्टील का क्लाइंट में हम लोग उनको प्लेस किए विद ए वेरी मिनिमल सैलरी, क्योंकि आज ए फ्रेशर उतना सैलरी देना मुश्किल है, ना कि कोई कंपनी हायर भी करती है उतनी सैलरी में. Although you are in SAP profile too. हम लोग बोले अजय को कि आप उतना सैलरी में काम करो, बट यस इट इज ए हैंड टू माउथ सैलरी, ऐसा नहीं है कि पूरा डिग्रेड सैलरी है. ठीक है, आप एक सस्टेंड कर सकते हो उतना सैलरी में, बट मेन फैक्टर एंड मेन एम रहता है कि आप वहां पढ़ो, रियल टाइम नॉलेज उठाओ. ऑल्दो मेटाफर कंसल्टिंग रियल टाइम नॉलेज देता है, मगर एक शॉप फ्लोर लेवल पे काम करना, किसी एक कंपनी में काम करना, एंड दैट इज इनटू द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसमें काम करने में कुछ अलग ही एक प्रोटोकॉल समझा जाता है. तो उसी बीच में अजय का जब एक साल हो गया था, वो हमको बोल रहा था कि हम क्या सर कंपनी चेंज कर ले, बिकॉज मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स आर करेंटली इन द गुड पैकेज. आई सेड देम वेट, टाइम इज नॉट येट अराइव्ड, आई पर्सनली इंटीमेट यू व्हेन यू कैन एबल टू जंप. जब उसका खुद 2 साल हो गया, आई सेड दैट नाउ यू मस्ट हैव टू रन फास्ट. तो तब से वो अपना रनिंग शुरुआत किए. ठीक है, जो रनिंग शुरुआत किए, जब पहला दफा मार्केट में अपना रिज्यूमे को उतारे, उतारने के बाद उनको 3 या 4 कंपनी से ऑफर लेटर मिला था, उनमें से कुछ एमएनसी कंपनीज भी था. तो पहला दफा उनको एक्सेंचर में नहीं मिला था, पहला दफा उनको मिला था शायद टेक महिंद्रा, आई थिंक सो टेक महिंद्रा. ठीक है, उसी तरह उनको 3 या 4 ऐसा कंपनी में मिला था. एक्सेंचर को मिलने से पहले जो कंपनी मिल रहा था वो भी एमएनसी कंपनी थी. मेरे को अजय बोले कि सर सर आई गोइंग टू जंप अप टू दैट कंपनी. आई से दैट होल्ड ऑन वेट, दिस इज नॉट द सैचुरेशन पॉइंट. क्योंकि हम लोग को पता रहता है कि इनिशियल सैलरी से आप उस सैलरी तक कितना हद तक पहुंच सकते हो. यहां पर मैं आपको एक ड्रामेटिक बात बताने जा रहा हूं जिसको सुन के आप लोग बिलीव नहीं कर सकते हो, एंड वो प्रैक्टिकली हुआ है. एक बंदा चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 100% हाइक लू, और नॉर्मली कंपनीज जो हाइक देते हैं 20-30% हाइक और 40% हाइक, उससे ज्यादा नहीं देते हैं. बट यू गाइज आर नॉट बिलीव, अजय वॉज टेकन द हाइक ऑफ 360%. 360% हाइक है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एंड दैट इज हिज पोटेंशियल. हाँ, इस चीज को पहुंचने के लिए एक रूट मैप का जरूरत था, एक गाइडेंस का जरूरत था. डेफिनेटली ही इज गेटेड फ्रॉम द मेटाफर कंसल्टिंग एंड द टीम मेंबर्स इंक्लूडिंग मी आल्सो. इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, जैसे बोले कि हमको इस इंटरव्यू को क्रैक करना है,
because different people has different mindset, different types of questions. They wonder the different types of answers. Okay, that is called the deliverables. वो सारा चीज का भी furnishing किया गया उनसे, क्योंकि जब भी आप एक high expected salary लेते हो, 360% hike, current salary का 360% hike लेते हो, तो expectation भी उसी तरह का रहता है. Okay, तो उसको meet कैसे किया जाएगा, उसका guideline दिया गया था. वो सारा चीज guideline के बाद, right now he is Accenture, because I was kept in my mind always. He intimated me every time. Accenture is my dream company. तो चलिए उस Accenture में पहले पहुंचाते हैं एंड उसका फुलफिल करवाते हैं. ये मेरा दिमाग में हमेशा चलता था कि कैसे हम लोग उसको Accenture में पहुंचाएं. उसके लिए जो सैचुरेशन लेवल होता है हर तरीके से उसको करना था. द वेरी पिकुलियर पार्ट, वंस ही ज्वाइंड द Accenture कंपनी वॉज वेरी मच हैप्पी. ही शेयर्ड द ऑफर लेटर विथ मी. यस अजय, आप अपना ऑफर लेटर मेरे को शेयर किए थे और पहला दफा बोले थे, सर मेरे को इतना पैसा मिल रहा है, बताइए ना हम इसमें से कितना टेक होम लेगा, क्या बेसिक है, कितना सैलरी कटेगा, टैक्स कैसे सेविंग करूंगा. अचानक ही इज एस्टोनिश्ड एंड ही इज हप्पाजर्ड, क्योंकि एक को आपको उतना सैलरी नहीं था एंड अनएक्सपेक्टेड सैलरी मिल रहा है. ओके नाउ उसके बाद नेक्स्ट जर्नी आता है. जब 6 महीना Accenture में पास ओवर हुआ, तब मैंने अजय को बोला था, नाउ यू कैन एबल टू फोकस टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज कॉल्ड द सर्टिफिकेशन. SAP का ग्लोबल सर्टिफिकेशन करना बहुत जरूरी है हर कंसल्टेंट को, आप अपना कैरियर को आगे देखना चाहते हो तो. अभी ग्लोबल सर्टिफिकेशन कैसे करना है, आप अपने तरीके से कर सकते हो. किसी एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे Metaphor Consulting इज रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, Metaphor Consulting के थ्रू कर सकते हो. ऐसा भी प्रोविजन होता है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो भी आपको ऑफर करे बेस्ड ऑन योर पोटेंशियल. तो मैंने सबसे पहले अजय को बोला कि आप पहले चेक करो कि अपना कंपनी में ऐसा कोई फैसिलिटी दे रहा है क्या. सो अजय इज वेरी क्विकली अराउंड इट एंड बोला कि सर हाँ, मेरा कंपनी में दिया जा रहा है. नेक्स्ट लेवल इज मैं किस में सर्टिफिकेशन करूं, वो भी जरूरी है. सर्टिफिकेशन मेरा कंपनी दे रहा है, मैं किस में सर्टिफिकेशन करूं, दैट इज द सेकेंड लेवल. ये सर्टिफिकेशन किस में करूं, उसके लिए भी पेपर कोड हम ही लोग अजय को निकाल के दिए थे. दैट इज कॉल्ड द एंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट EAM, जो मार्केट में बहुत डिमांड है एज रिस्पेक्टिंग टू हिज कैरियर पोर्टफोलियो. ठीक है, जब सर्टिफिकेशन का बात आया तो फिर नेक्स्ट आता है कि ये सर्टिफिकेशन को क्लियर कैसे करें, उसके लिए क्या क्या पढ़ाई करना पड़ेगा, कहाँ से पढ़ाई करें. Although company is offering some material, but rather than that, what are the focusing area where we can able to give you the more focus. ये तभी हो सकता है कोई एक बंदा जब certification किया है उसी से ही सारा information मिल सकता है. ठीक है, तो उसके लिए फिर वो हम लोग के साथ जुड़े, because we are a certified organization, we are also certified, in fact I am also a certified in SAP S/4HANA. वो काफी देर मेरे साथ बात किए and regularly वो लोग वो भी मेरे साथ बात करते रहते थे. मैं उनको गाइड करता था कैसे कैसे करना है. डेफिनेटली आप लोगों का भी वो टाइम आएगा तो हम लोग आपको बेफिक्र होकर गाइड करेंगे आपका मुकाम में पहुंचने के लिए. एंड नाउ ही इज ऑल्सो ए सर्टिफाइड वन. तो आप समझ सकते हो जीरो से हीरो बनने के लिए उनको सिर्फ एंड सिर्फ 3 साल लगा. 3 years ही मेड हिज कैरियर. एंड हियर आई एम हाईलाइटिंग वन मोर पॉइंट. He is not a simple graduate. He is a master graduate too. आप MBA भी हो, right? Yes. Specialization किस में है अजय आपका? HR and finance. HR and finance में. MBA होने के बावजूद भी उनको कंपनी से ऑफर नहीं आ रहा था. मगर आज उनसे पूछिए उनका प्रोफाइल का कितना वैल्यू है. Once he is drop his resume into the market, companies are calling. Not he is identifying where I have to work and where I have to deploy my resume for interview. उनका सिर्फ इतना ही काम है, वो अपना resume जाके डालते हैं नौकरी या monster portal में या any of the recruitment medium में, बाकी company लोग उनको ढूंढ रहे हैं. And उसके साथ ही साथ अभी जो current salary वो उठाना चाहेंगे किसी दूसरे company से या current organization से, वो उनका मुताबिक. ऐसा नहीं है कि कोई मेरे को पकड़ा दिया इतना सैलरी और मैं जाके उतना सैलरी में काम कर लिया. नो, इट इज अप टू माय सैटिस्फैक्टरी लेवल, देन इन दैट केस आई कैन एबल टू जॉइन, अदरवाइज आई एम इन अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन. ये होता है SAP. बहुत सारे लोगों का दिमाग में एक कंफ्यूजन आता है, क्या मैं SAP का कोर्स करूं,
तो ये सवाल का आंसर हम अजय से सुनना चाहते हैं जो खुद अभी एसेंचर में है। अजय बताइए, क्या एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे तरफ से, बाकी हम लोग क्वेश्चन का सेशन करेंगे। ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर, दिखने में तो बहुत बड़े हैं बट रियली दे आर अनमैच्योर्ड टिल येट। ओके, उन लोग से भी कुछ सवाल जवाब करेंगे क्योंकि उनका दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन होगा। मगर मेरे को ये चीज बताइए, क्या किसी भी फ्रेशर को या किसी भी ग्रेजुएट को एसएपी का कोर्स करना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? ऑब्वियस सर, करना चाहिए। अब तो मेरे को देख लीजिए, व्हेन आई वाज डन माय एमबीए आई वाज वर्किंग एज अ यूएस कंपनी, राइट, व्हिच बेसिकली आई चूज माय लाइन बिकॉज़ ऑफ दिस। व्हेन आई वाज वर्किंग विद लाइक प्रीवियस कंपनी आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमबीए, दैट इज यूएस बेस्ड, होल नाइट शिफ्ट आई नीड टू वर्क 6:30 टू टिल नाइट 3:30 एंड मॉर्निंग यू कैन कॉल। So this is almost I did it for 2 years. Ridiculous job, because wake up in night is ridiculous. In morning time, see at the certain age, कुछ age हो जाने के बाद फिर रात में हम लोग इतना देर तक जाग नहीं सकते। It's not about age sir, वो सबको health को impact करता है, even those for me also. तो problem होना start हो गया था 2 साल में मेरे को। So I decided I will and मैं जब काम करता था when I was working with Accent like a previous company US company, so I let to know about the SAP. From that time I know about the SAP the things. So there are so many consultant, my consultant they are working in US, so we are just guiding them. So that time I know about this thing SAP. So I thought I need to learn many things about this. So I start like reading the things in internet and all that. Even though I called so many times sir. Because of this only for inquiry and all that. So that is the thing when I started. You can call me like you can call that is my starting journey of SAP. I start collecting the information from market, what are the things you need to learn, which module is good one, which is the exception one. Now I'm exception because PM is very rare. I thought PM is very rare module, but so, that exception is giving you a another charm in your life, right? So ये जो बोलना चाह रहे हैं, जब कभी भी पहला दफा कोई भी स्टूडेंट SAP के अंदर जंप करने का कोशिश करता है, उसके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। मैं SAP का कौन सा मॉड्यूल करूं, हाना करूं या S4 हाना करूं, और बहुत सारे इंस्ट्रक्टर भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपको सही तरीके से गाइड करते हैं एंड डिमोरलाइज करते हैं, मिसगाइड भी करते हैं। क्योंकि जब कभी भी आप एक ऑन और नॉन सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन को जाते हो, ज्यादा तरफ एक वर्ड आता है कमर्शियल। कमर्शियल मतलब आप मेरे को पैसा दीजिए, आपको जो करना है बता दीजिए, हम आपको करवा देंगे। ओके, मगर प्रॉपर रूट दिखाने वाले बहुत कम होते हैं। उनमें से आपको सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चूज करना पड़ेगा, एक प्रॉपर मैन आप उसको बोलिए या प्रॉपर गाइडर बोलिए, उसको प्रॉपर मेंटर बोलिए, उनको चूज करना पड़ेगा। एंड दैट कैन बी पॉसिबल आफ्टर द कन्वोकेशन। आपको एक बार कन्वोकेट करके समझ में नहीं आएगा, बार बार आपको कन्वोकेट करना पड़ेगा, 2 बार 3 बार 4 बार कन्वोकेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम लोग एक आदमी को आधा घंटा देखे, क्या समझ सकते हैं कि वो क्या हम लोग के बारे में सोच रहा है? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। उसी तरह SAP चूज करने से पहले आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, जो कि अजय किए, 3 महीना वेट किए। ऐसा नहीं कि 3 महीने में वो घर में बैठे हुए थे, 3 महीने में वो मार्केट को स्टडी कर रहे थे। जब हम लोग बोले कि नहीं 3 महीना तक हम लोग के या हम लोग के पास करेंटली स्लॉट अवेलेबल नहीं है, उसके बावजूद भी वाई ही इज वेटिंग। तो वेटिंग का पीरियड यही होता है कि वो मार्केट में रिसर्च कर रहे थे कि कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला गलत है। Even many times he asked me, sir, you are deploying me in PM, is it good for me? Because I am belongs to MBA in HR and marketing. मेरा domain कुछ अलग है, मेरा qualification कुछ अलग है, और आप मेरे को इसमें डाल रहे। I am just simply saying one thing, just wait for 5 years, 5 साल wait करो, then you can able to find it out where you are being. अभी वो 5 साल भी वेट नहीं किया है, 3 साल 3 इयर्स अभी 2 बाकी है, ठीक है, और 2 साल बाकी है। तो सोच लो और 2 साल में क्या होने वाला है। आई एम डैम श्योर ही विल बी फ्लाई इन स्काई वन फाइन डे। यू कैन सी वन वीडियो ऑफ अजय, ही विल बी इन अब्रोड। ऑलरेडी मिस्ड इट सर, अब हम क्या बोले।
अब खुद ही बोल रहा है कि ऑलरेडी मिस्ड इट बिकॉज़ ऑफ कोवी आई मिस्ड इट समझ गए ना रशिया आई गॉट द प्रोजेक्ट ऑफ रशिया सो दे आर सेंडिंग मी दैट टाइम बट बिकॉज़ ऑफ हैपनिंग थिंग्स नॉट एबल टू सो दैट वी आर नॉट इन आवर हैंड ड्यू टू व्हिच मेनी पीपल्स आर सफर्ड ओके एंड ओके एनीवे बट वन थिंग आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड इन कोविड इटसेल्फ मेनी पीपल आर लूज देयर जॉब बट ही इज having the job with 360% hike even though I changed my company in between covid sir so many my friends they are working with tata steel when I was joined tata steel there is a, our batch is pm batch is 10 people all resigned in 2021 starting with january till august all 10% resigned or they are in good company five are in accenture and one is in tata power yes. and two is in wipro and one is in tcs All are in good company, like MNC companies. Or one more thing, I just wanted to share. When I joined this company, like Metaphor, that time I was working in US company. I have good package over there, but I quit my job. And so many of my friends, they are laughing at me in that time. Why you are doing this kind of silly mistake? Even though you know Archan sir. Yes. Right. He told me the same thing. Hey, you have good package. Why you are? That time my package was damn good, but I don't want to work a night shift, so I quit my job. And when I was jobless for a year, I'm doing training and all that. So they are laughing at me. He's the silly guy. Now when I got that offer from Accenture, I just posted that thing in my wall. They are seeing and they are telling me. They are just calling me. Hey. How you get that job, man, in Accenture? You know, this is Accenture is the third IT company in the world, not over India. It's in the world. Third largest IT company in the world. So they just call me and asking for that. Can you please refer me? Those guys are laughing at me. They just call me and asking for the refer. How I can? They are doing night shift and all that. Yes, still now they're doing. So I said, I don't think so. It will be work out with you guys because they don't have any like recruiting kind of thing. They have recruiter, but this is domestic one. They don't have internal stuff. I just reply them. So this is the credibility of SAP only. So aap log samajh liye hain and ye message bhi hum log baki sare student ko dena chahte hain, job seekers ko dena chahte hain, jo koi SAP mein apna career ग्रो करना चाहता है देखना चाहता है नियर फ्यूचर में बेफिकर होके बिन हिचकिचाए आप आगे बढ़िए वन फाइन डे यू विल गेट ए सक्सेस बट हाँ इसमें कुछ माइलस्टोन होता है क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट में एसएपी का जॉब मतलब कोर्स करते हैं मगर उन लोगों को जॉब नहीं मिलता है अजय फ्रेशर के हिसाब से जॉब नहीं मिलता है बट हम लोग के पास अजय खड़े हैं हम उनसे ही जानना चाहेंगे अजय आपको मेटाफर कंसल्टिंग के तरफ से फ्रेशर में जॉब मिला था या एक्सपीरियंस में जॉब मिला फ्रेशर फ्रेशर में जॉब मिला था So, Metaphor Consulting आपको मतलब एक तरीके से हम बोले आप Metaphor Consulting से एसोसिएट होते हो कोर्स करते हो तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं आप में कैलिबरिटी है तो हम लोग आपको फ्रेशर लेवल पे एक अच्छी कंपनी में लिमिटेड कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो इसी कंपनी में आपका कैरियर का शुरुआत करते हैं ऑल्दो यू हैव मेनी गैप्स इन योर हैंड ऑल्दो यू हैव मेनी स्ट्रगल्स यू डिड इन योर पास्ट लाइफ साइकल्स Although you have many obstacles in your career at the present stage, उसके बावजूद भी सारा चीज को consider करते हुए Metaphor Consulting ये initiative लेता है ऐसे नहीं कि जो यहाँ बच्चा पढ़ रहा है उसको खुले मैदान में छोड़ दे और आगे जाके वो struggle करे वो activity नहीं करती है दूसरा चीज होता है आपका interest, आप कितना अपने को interest दे रहे हो ये बहुत मायने रखता है आप जितना पढ़ाई करोगे जैसे कि अजय रात को 11 11:30 बजे तक पढ़ाई कर रहे थे एंड हम लोग को भी इंटरेस्ट आ रहा था पढ़ाई करने में और उनको नॉलेज ट्रांसफर करने क्योंकि वहां से कुछ आउटपुट आ रहा था तो हमको इनपुट देने में और इंटरेस्ट जत रहा था उसी तरह आप लोग भी मेहनत करोगे तो आप लोग का भी होगा मगर हाँ यहाँ पर एक और जो मैंने पहलू रखा था मार्केट में बहुत सारे स्टूडेंट अभी जॉब सर्च कर रहे हैं एसएपी में कोर्स कर चुके हैं मगर उन लोग को जॉब नहीं मिल रहा है बिकॉज यहाँ पर एक ही चीज समझ लीजिए आप रियल टाइम कोर्स करोगे ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से विथ ए ऑथराइज्ड चैनल पार्टनर आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी क्योंकि हर चीज का एक गाइडलाइन होता है
जॉब करने का भी एक गाइडलाइन होता है, पढ़ने का भी एक गाइडलाइन होता है। अब कहीं से भी कुछ कोर्स कर दोगे वैसा नहीं चलता है, सिंपल सा लॉजिक है। एक डॉक्टर प्रेस्क्राइब करना मेडिसिन और एक नॉर्मल मेडिसिन स्टोर से हम लोग मेडिसिन लेने में जमीन एंड आसमान का अंतर है। सो बी ऑलवेज रिकमेंडेड, गो टू द प्रोफेशनल्स एंड टेक द ट्रेनिंग। ये आपको हेल्प करेगी। ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि आप सिर्फ हम ही लोग के पास आओ, हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि प्रोफेशनल्स के पास जाओ, वो आप लोगों को सही तरीके से गाइड करेंगे। मार्केट में बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो कि सही तरीके से पढ़ाना जानते हैं, पढ़ाते भी हैं, एंड दे आर नॉट कमर्शियल। मगर हाँ, आप कमर्शियल हो जाओगे या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ोगे तो एक ही चीज होगा, वो होता है कि आपसे वो पैसा लिया एंड आपको उतना ही टाइम दिया, उसके बाद वो आपके साथ ना जुड़ा ना आप उनके साथ जुड़े, एंड दे आर नॉट ए कमर्शियल। कमर्शियल होते तो आज एक बार बुलाने से वो असेंचर कंपनी में काम कर रहे हैं एंड अपना टाइम निकाल के यहाँ नहीं आते। करेंटली ही इज ऑल्सो वर्किंग इन इंटरनेशनल क्लाइंट, राइट? आप एक इंटरनेशनल क्लाइंट में काम कर रहे हैं, मतलब वर्क प्रेशर है उनमें, उसके बावजूद भी आए हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा हम लोग का स्टूडेंट के तरफ, उनका कुछ सवाल एंड जवाब होगा दिमाग में तो डेफिनेटली वो पूछ सकते हैं। सो आई एम हैंड ओवरिंग my mic to the students who are really interested to ask the question. So kaun sabse pehle puchna chahega? Okay, so Ashish Sahay, so Sangeeta aap thoda Ashish Sahay ko de dijiye. Thank you Ajay sir, aap aaye bahut badi baat hai sir. Sir main bhi private company mein kaam kar raha hu main, aur SAP sabse pehli baar main yahan seekh raha hu, aur मटेरियल मैनेजमेंट मैं वही में कर रहा हूँ, ऑलरेडी सिंपल ग्रेजुएशन हूँ मैं। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक फ्रेशर जब वहाँ सिस्टम में बैठते हैं काम करने के लिए, तो जो सर यहाँ सिखा रहे हैं क्या सिस्टम असही वहाँ एग्रेट करता है, कुछ और होता है वहाँ पर? अच्छा रहता है, सिस्टम सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, लेकिन बहुत सारा चीज़ें जो हम लोग वहाँ पर सीखना पड़ता है, यहाँ से भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वहाँ पर फास्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पर डेटा आपको बहुत कम मिलता होगा, लेकिन वहाँ पर बहुत सारा डेटा रहता है जिसको आपको देखना पड़ता है। तो उसको कैसे हैंडलिंग करेंगे सर? वो हो जाता है सब कुछ, तो कलीग्स हेल्प कर देते हैं, कुछ अपने से लर्न करना पड़ता है इंटरनेट के थ्रू। सर हैं बाकी, हम तो बहुत सारा चीज़ सर से पूछते थे जो हमको समझ में नहीं आता था, तो खाली टाइम रहता था सर का, खाली टाइम का वेट करना पड़ता था हम लोगों का, भी कभी सर बिजी रहता, और बाकी आप नेट से भी निकाल सकते हैं, बाकी कलीग्स से, और R&D बहुत करना पड़ता है। आप कहीं भी जॉब करोगे ना, आपको एक QA का सिस्टम रहेगा आपका हमेशा, डेवलपमेंट QA, उस पर आप कुछ भी कर सकते हैं, टेस्टिंग वगैरह कर सकते, तो वो करके करना पड़ता था हम लोगों को। एक एक सिस्टम सिनेरियो सीखने के लिए टाटा स्टील में 20-20 बार 25-25 बार टेस्टिंग करना पड़ता था। अच्छा, क्योंकि प्रोसेस पूरा तरह से पता करने के लिए हम लोगों को सब टेस्टिंग करके नोट करना पड़ता था, क्या टेस्ट किए, कितना टेस्टिंग हुआ, कैसे हुआ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप मेहनत करते हैं। बाकी आगे बढ़ने का हमेशा रास्ता रहता है, जो हम भी बता रहे हैं आपको। हम लोग जब थे ना यहाँ पे, हम सर को साथ 3 स्टूडेंट दे रहे सर, दो अभी वर्क कर रहे हैं, एक बैकआउट हो गया, प्रेशर नहीं झेल पाया, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना झेल सकते हैं और कितना आप सीख सकते हैं, तो आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। थैंक यू सर। एक चीज़ और पूछना चाहते हैं सर, विजय सर, इसे मटेरियल मैनेजमेंट में कर रहा हूँ, इसमें स्कोप कहाँ तक है आपके हिसाब से? स्काई इज द लिमिट आपका हमेशा मिलते रहेगा। अभी तो मटेरियल मैनेजमेंट के साथ वेयरहाउस मैनेजमेंट भी जोड़ दिया गया है, सर को ही पता होगा सर, तो ये आपको हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है, बस आपको पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ना। मतलब कि सर, मैं अगर मैं बात पूछना चाहता हूँ सर, कि मानो सिस्टम में पहले बैठूंगा, पहले कोई भी बंदा पहली बार बैठता है, एक थोड़ा नर्वसनेस टाइप का नहीं होता है? नहीं, कुछ नहीं होता है सब, कुछ तो नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं होता प्रेशर ही हो ना। आप जब कहीं भी जाओगे ना, आप एज अ फ्रेशी, तो आपको पहले इंडक्शन का ओरिएंटेशन दिया जाता है, अगर इधर कोई एम्प्लॉय दे या फिर कोई और भी दे, लेकिन आपको पहले बताया जाएगा सिस्टम, क्योंकि हर किसी का सिस्टम, आपको लगता है यहाँ पे जो आप सीखे यही एक दुनिया है, ये कुछ भी नहीं है, 1% है खाली, जितना बिजनेस प्रोसेस। सर के एक बात याद होगा, तो सर हमेशा क्या बोलते हैं, बिजनेस प्रोसेस। जी सर, प्रोसेस सुने आप लोग बात सर के मुंह से हमेशा? नहीं, बिजनेस प्रोसेस में कॉपी में सर हमेशा बोलते हैं, हम जो पढ़ते थे आप लोग, हम बैठे थे सर, हमको हमेशा बोलते थे यार बिजनेस प्रोसेस सीखो, बिजनेस प्रोसेस सीखो, हमको तब समझ में नहीं आता था बात, बिजनेस प्रोसेस सीखो क्या, कैसे सीखे, जब जाएंगे ना वहाँ पे तब समझ में आएगा। जैसे मैंने स्टील इंडस्ट्री पे काम किया था, फिर मैंने एक्सेंचर में 2 और प्रोजेक्ट पे काम किया, वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था मेरा जो है, इंटरनेशनल पे के लिए है, तो वहाँ पे मैंने सीखा। हर किसी का अलग अलग बिजनेस स्ट्रीम लाइन होता है, SAP में सब कुछ अवेलेबल रहता है,
बट किसी के लिए एनेबल करना पड़ता है और किसी के लिए उसको डिसेबल करके रखना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो वो आपको बिजनेस प्रोसेस पे ही समझ में आएगा। रिक्वायर्ड टू बिजनेस प्रोसेस, यहाँ पे स्ट्रीमलाइन पूरा डिसाइड होता है कि किस पे कैसे वर्क करना है। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून भैया। भैया वो जानना चाहते हैं कि भैया जैसे आप टाटा स्टील में पहले काम करते थे, तो भैया वहाँ का वर्क कल्चर कैसे रहता है, जैसे वर्क लाइफ बैलेंस टाइप का? देखो वर्क लाइफ बैलेंस तुमको करना है, वो लोग डिसाइड नहीं करते। हमेशा प्रेशर हमेशा सर पे रहेगा, बट तुमको डिसाइड करना तुमको कितना काम करना है, कब तक काम करना है। स्टार्टिंग में तो एज अ फ्रेश ही करना ही पड़ता है। हाँ बिल्कुल, जो भी बोले करना ही पड़ता है, सुनना ही पड़ता है, तब जाके तुमको सिखाएंगे वो लोग, अदरवाइज किक कर देंगे सीधा, पता है ना। तो इसलिए हमेशा स्टार्टिंग थोड़ा प्रेशर रहता है, लेकिन जैसे ऊपर जाओगे ना तो थोड़ा इजिली रहता है। जैसे मैं टाटा स्टील में, मैंने बिलीव नहीं करोगे, जो मैं टाटा स्टील में था, एक बार नाइट शिफ्ट था, ऐसा जनरल नाइट शिफ्ट रहता नहीं, लेकिन शट डाउन था वहाँ पे, तो ऑलमोस्ट मैं वहाँ पे 12 घंटे से ज्यादा था, 12 घंटे तो वो झेलना पड़ता। उसके बाद ट्रस्ट बिल्डअप होता है एक, जब प्रेशर पे जब काम करके दोगे ना तो आपके हेड, हम डायरेक्ट हेड के साथ बैठते थे, हेड के साथ ही डील करते, तो वो अलग सा एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है। उसके बाद ना आपको उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा कि हाँ बंदा करता है मेरे लिए, तो वो थोड़ा सा आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। तब आप बोलोगे भी ना कभी कि सर मेरे को थोड़ा सा ना, मुझे जाना है, ये करना है, इतना करना है, और उसके साथ अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलता है काम सीखने का। तो ये हमेशा ट्रस्ट बनाने के लिए मेहनत बहुत लगता है। और एक सवाल भैया, जैसे कि आप बोल रहे थे जैसे हम 11:30 बजे तक यहाँ पर पढ़ते थे, जैसे सर ने भी हमें बताया, तो भैया हम लोगों को और अपना तरफ से कितना एफर्ट डालना चाहिए? जैसे आप 11:30 बजे तक रुक सकते तो हम लोगों को तो वो तुम्हारे पर डिपेंड करता है, लेकिन हमेशा सीखने के लिए तुमको कुछ ना कुछ होना चाहिए। यहाँ तो इंटरनेट से भरा पड़ा हुआ है, सब कुछ है वहाँ पे, अब डेली पढ़ो। जो नहीं समझ में आता, हम लोग डाउट्स पूछ पूछ के सर को पागल कर देते थे, सर को पता होगा। हाँ सर, कितने डाउट्स पूछते थे हम लोग, कॉपी में नोट करके लाते थे। हमको जो टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आता था या ट्रांजेक्शन नहीं समझ में आता था, तो सर से हम पूछते थे, सर ये टर्म है, सर हमसे पहले पूछो, तुम क्या पढ़ा है पहले बताओ मेरे को। सर भी वहीं पे हेल्प करते थे हम लोग को, जब हम लोग खुद पढ़ के आते थे। अगर नहीं पढ़ के आते तो सर बोलते थे पहले पढ़ के आना, तुम बताना तुम क्या समझा, फिर हम तुमको हेल्प करें। इसलिए कभी भी कुछ भी चीज मिले पढ़ते जाओ, सीखते जाओ, सीखना कभी खत्म नहीं होता, खत्म भी नहीं होता और कभी बेकार नहीं जाता है ये। हाँ भैया, सीख करके आगे बढ़ सकते हो, कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे, सबसे बड़ा बात है जी। थैंक यू। मेरा सवाल ये है कि इंटरव्यू में कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करें? इंटरव्यू के लिए सर ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन का फ्रेम होता है, पूरा एक फ्रेम पे इंटरव्यू चलता है। सबसे पहला फेज होता है इंट्रोडक्शन, उस पे 20-30% वेटेज रहता है, आप अपने आप को कितना अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो उनको। इसलिए इंट्रोडक्शन जो होता है ना, वो एक समझ लो वो क्रिकेट पे होता है ना फ्री हिट, वो एक फ्री हिट चांस मिलता है आपको, अपने बारे में उसको बोल सको। उसके बाद आपका बात सुनने के लिए नहीं बैठा है, वो सिर्फ अपना क्वेश्चन का आंसर लेगा, उस समय ही तक आपको सुनेगा। इसलिए हमेशा इंट्रोडक्शन अच्छा रखिए। और उसके बाद ये इंटरव्यू एक गेम है, आपको कौन से साइड लेके जाना है, इंटरव्यू खींच के ले जाना पड़ता है। तो आप जिस लाइन पे भी अगर अच्छा करते हो, मतलब जैसे आपको जो ये लाइन, जैसे आप लोग कौन से अभी MM, आप लोग आप किस में? PM, PP। तो आपका जैसे कौन सा है, जैसे बहुत सारा इसमें स्ट्रीम लाइन है, तो आप जिस चीज पे अच्छे हो उस चीज पे आपको उसको खींच के लेकर के जाना है कि हाँ मेरे को ये ज्यादा अच्छा से पता है, तो उनको उस तरह से गाइड करते हो वहां तक लेकर जाना है। प्रोसेस तो हमेशा क्लियर रहना चाहिए बस, लेकिन इंट्रोडक्शन अच्छा से बनाइए आप बस। थैंक यू। बोलिए सर, क्या इसके लिए कुछ नोट्स तैयार करना पड़ता है क्या? नोट्स तो हमेशा जरूरत पड़ता है ना, क्योंकि देखिए आप जितना भी पढ़ोगे ना यहाँ पे, बहुत सारा चीज आप यूटिलाइज नहीं करोगे, जो चीज भूल जाओगे, लेकिन बुक पे अगर रहेगा ना तो आप कभी भी कर सकते हो, क्योंकि हर प्रोजेक्ट पे जरूरी नहीं है यहाँ पे जो सिखाया गया यूटिलाइज करो, नेक्स्ट प्रोजेक्ट हो सकता जो आपने पहले किया वो नहीं होकर बात का आ जाए। क्योंकि अभी भी मैं नोट्स प्रिपेयर करता हूँ, सर मेरा वर्क नोट बताइए सर हम क्या करते थे, सर को अच्छे से पता। आप लोग तो जैसे क्लास करते हो, आप लोग नोट्स बनाते हो ना? जी सर। मैं नोट्स नहीं बनाता था, मैं मोबाइल पे पूरा सर का क्लास पूरा रिकॉर्ड करता था, वॉइस नोट मेरे पास आज भी मेरा वॉइस नोट है ना। आज भी हमको जब भी कहीं लगता है कि हमको कुछ जानना है तो हम सर का वॉइस नोट आज भी प्रेफर करते हैं सर, इसीलिए हम लोग बोलते हैं आज भी कि इनके जैसा बैच दूसरा नहीं मिला, पूछ लीजिएगा सर से, क्योंकि हम लोग का था वैसे ही। मेरा आज भी वर्क नोट से पूरा हार्ड डिस्क भरा हुआ है, मैंने वॉइस नोट बना के रखा है। तो ये हमेशा ना जो सर का जो बोला हुआ ना, दोबारा आपको सर वो नहीं बोलेगा, कई बार तो सर जो एक बार बोलते हैं दोबारा पूछोगे ना तो सर उस समय दूसरा लाइन यूज कर लेते हैं, कितने बार
तो सर के पास 10-10 फॉर्मूला है, तो वो 10 कैसे कैप्चर होगा? इसलिए हम लोग जो फर्स्ट टाइम बोलते थे हमेशा रिकॉर्ड करके रखते थे और नोट बना के रखते थे घर पे, वो हमेशा नोट्स काम आएगा आपका प्रो लाइफ। थैंक यू सर। और कुछ? सो और किसी को कुछ पूछना है? किसी को और कैरियर रिलेटेड कुछ पूछना है? ओके, सो अजय, डेफिनेटली आप तो बहुत अच्छा मुकाम में पहुंच गए हो, एंड थैंक यू सर। जितने सारे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, काफी हद तक आप सही डायरेक्शन भी दिखाए। आई एम रियली हैप्पी कि आप सही रास्ते पे सबको लेके जा रहे हैं, एंड हर कोई स्टूडेंट वो वाला प्रोसेस फॉलो करता है डेफिनेटली वो अपना मंजिल में पहुंच सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। नोट्स बनाना आपका काम है, नोट्स बनाने से आपका माइंड में वो चीज़ छप जाता है। सो मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ, सिर्फ सुनो मत, नोट्स बनाते जाओ। इनफैक्ट यहाँ एक बार नोट्स बनाओ एंड घर में उसको समराइज करके और एक बार नोट्स बनाओ, तभी आपका दिमाग में वो प्रिंटेड हो जाएगा। एंड यही चीज तो है आपका ब्रेड एंड बटर, आपका दिमाग का मसाला ही है ब्रेड एंड बटर, और कुछ नहीं है। आज अजय जो पैसा कमा रहा है या हम लोग के पास जो नॉलेज है, हम लोग जो सर्टिफाइड है, वो क्या है? कुछ नहीं है, इट्स जस्ट ए प्रिंटेड कॉपी। आप उसको किताब में लिखते हो, हम लोग उसको दिमाग में छाप दिए हैं। वही चीज आपको बोलते हैं कि दिमाग में छाप दीजिए, एंड जो दिमाग में छापता है डेफिनेटली उसको फ्लाई करना ही है, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, एंड उसका डिमांड है। इंसर्ट में ये बताना चाहूंगा कि आप कंपनी के पीछे मत भागिए, आप नॉलेज के पीछे भागिए। आप नॉलेज के पीछे भागेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास सैलरी भी होगा, जो आप बोलते हो एक्सपेक्टेशन। आप सुने होंगे एक होता है CTC कॉस्ट टू कंपनी, और एक होता है ECTC एक्सपेक्टेड सैलरी। आज के डेट में एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, सैलरी है, पैसा है। सबको पैसा चाहिए, मेरे को चाहिए, आप लोगों को भी चाहिए, ठीक है? सो दैट इज अवर अल्टीमेट गोल। बट उस अल्टीमेट गोल को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग के पास मसाला होना जरूरी है। वो मसाला को कैसे दिमाग में प्रिंट करना है आपका काम है। हाँ, मसाला को किस तरीके से प्रिंट करना है वो हम लोग का काम। तो ये प्रोसेस फॉलो करिए, डेफिनेटली आप एक अच्छा मुकाम में पहुंच सकते हैं। तो यहां पर एक चीज बता रहे हैं, SAP का वाइडर स्कोप है, डोंट बी मिसगाइड। आप अभी फ्रेशर हो, उनमें से काफी स्टूडेंट्स आज एब्सेंट है, मगर कुछ स्टूडेंट के साथ हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इसमें भी आप लोगों को बता रहे हैं, अभी आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, बट इस राइट डायरेक्शन को कंसिस्टेंट रखो, इसमें और जान दो। जान इन द सेंस, एक पेड़ को आप फला फला देखना चाहते हो तो उसमें क्या देते हो? खाद देते हो, पानी देते हो, सनलाइट देते हो, सो डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेस ऑफ एनर्जी देते हो। खाद, सोच लो कि स्टडी ऑफ जर्नी, एनर्जी इज नथिंग कॉल्ड द प्रोजेक्ट, देन इज कॉल्ड योर वाटर इज नथिंग कॉल्ड योर सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। आप इसी तरह अपना अपने को पेड़ मानो, और ये जो सोर्सेस में एग्जांपल दिया अपने में डालते जाओगे, तो कल के डेट में जैसे पेड़ पौधा अच्छा से फल फूलता है, आप लोग भी अपना डेस्टिनी में पहुंच जाओगे। और कुछ नहीं है, भी प्रैक्टिकल, इमोशनल होने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। समटाइम्स मैंने देखा है कि अजय थोड़ा इमोशनल हो गया था, ओके, सो इमोशनल होने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि अजय को पहला दफा हम लोग मेटाफर कंसल्टिंग में बुलाए हैं। हम लोग हर किसी स्टूडेंट को बुलाते हैं, एंड हर किसी स्टूडेंट को हमेशा चाहते हैं कि वो उतना सैचुरेशन लेवल पे पहुंचे, क्योंकि अल्टीमेटली वो पहुंचता है तो हम लोग को लगता है कि हम लोग पहुंच गए, ये हम लोग का मुकाम होता है। मेहनत करो, मेहनत करने से आपको फल मिलेगा, ये हर जगह पर लिखा हुआ है, होली बुक्स में भी लिखा हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ होली बुक्स हम लोग फॉलो करते हैं, ओके। सो इफ यू आर गोइंग टू बी लेवर हार्ड, देन डेफिनेटली विल गेट अ रिजल्ट, ओके। ये स्टेटमेंट ट्रू है, प्रैक्टिकल है, ये मेरे केस में हुआ है। आज आप देख रहे हो, जो आपके सामने जो एम्प्लॉई खड़ा हुआ है, असेंचर का एम्प्लॉई है,
उनके साथ भी है, वो भी लेबर हार्ड किए, आप लोग भी लेबर हार्ड करो। लेबर हार्ड करने का अनलिमिटेड पैरामीटर्स है, वो अनलिमिटेड पैरामीटर्स को फॉलो करो। हर किसी का स्ट्रेंथ अलग टाइप का है, उस हिसाब से आप फॉलो करो। ये मेरे तरफ से कुछ समराइज्ड था। सो एट लास्ट आई कैन से टू अजय, थैंक यू वेरी मच टू कम टू दिस फोरम एंड गिविंग द ब्राइट पिक्चर टू एवरी वन हाउ दे कैन एबल टू स्टार्ट द जर्नी ऑल्दो दे आर इन SAP, बट इट विल बी ए बिग चैलेंज टू स्टार्ट अप द जर्नी टू। एंड आफ्टर स्टार्ट अप द जर्नी देर आर मेनी पैरामीटर्स विल बी कम इन टू योर लाइफ कॉल द सस्टेनेबिलिटी। कुछ देर पहले हम लोगों से कोई एक स्टूडेंट पूछे थे, आई थिंक शुभम, ओके ये शुभम, आप पूछे थे कि हमको वर्क कल्चर कैसा मिलेगा टाटा स्टील में। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज कंसर्न अंडर द सस्टेनेबिलिटी। जो ऑलरेडी बैठा हुआ है वो तो हमेशा घमंड में रहेगा बिकॉज दे आर द नॉलेजेबल। सीखना आपको है तो आपको पैर पकड़ना पड़ेगा। पैर पकड़ना मतलब नहीं है कि मेरे को सराउंड करना है, हमको नॉलेज लेना है। सो बात को गलत तरीके से मत लीजिए, बात को सही तरीके से लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू नील डाउन एंड से दैट ओके आई डोंट नो एनीथिंग, जस्ट गिव मी द नॉलेज हाउ मच यू हैव, आई एम रेडी टू टेक इट। ओके, दैट इज माई इंसेंस ऑफ सेइंग। सो अजय, आपको भी इस पोजिशन में देखते हुए मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है। एंड वंस अगेन आई एम गोइंग टू टेल इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, दिस बैच इज अ वेरी गुड बैच, आई नेवर एवर फॉरगेट दिस बैच इन माई लाइफ। आई टॉट मेनी पीपल्स, मोर देन 1000 पीपल्स आई टॉट, मोर देन ऑनलाइन ऑफलाइन डोमेस्टिक इंटरनेशनल। करेंटली वी आर टीचिंग द पीपल, फ्यू पीपल्स आर इन सऊदी अरबिया, फ्यू पीपल्स आर इन कैलिफोर्निया, ब्राजील पीपल्स ऑल्सो, बट आई नेवर एवर फाउंड द बैच लाइक दिस गाइज एंड आई नेवर एवर फाउंड द सिलेक्टेड पीपल लाइक अजय, दैट्स क्लीन एंड क्लियर। इन फैक्ट ही सजेस्टेड मेनी पीपल टू मेटा फॉर कंसल्टिंग एज ए रेफरल, द पीपल आर ऑल्सो प्लेस्ड बट नॉट लाइक अजय। आई अंडरस्टैंड फाइव फिंगर्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। हाँ, हो सकता है फ्यूचर में और कोई भी आए जो हम अजय के बगल में बिठा सके उसको, या अजय से ऊपर भी बिठा सके, मगर टिल सच अ पीरियड नो बड़ी। जो मेहनत, मेरा एक्सपेक्टेशन एक ही चीज रहता है, आप मेहनत करो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। और वही चीज मैंने अजय को भी किया, उसका बैचमेट को किया, हालांकि हर किसी को करते हैं बेस्ड अपॉन योर स्ट्रेंथ। आप जितना हमको आउटपुट दोगे हम लोग उतना ही आपको इनपुट देगा। आपका आउटपुट जहां बंद हो गया हमारा इनपुट भी बंद हो जाएगा, इज क्लियर। सो अजय, आप कुछ समराइज करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप बेफिकर होके हम लोग का स्टूडेंट को बताइए, बिकॉज वी अंडरस्टैंड you are already having the saturations in your mind and you already got the very good position, and for that we are highly obliged and we are also feeling very much happy, you cannot able to imagine itself. Okay, so rest is yours. Already I completed, but wahi hai lage raho, chhodna mat bas, bahut log quit kar lete hain. यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, बहुत सारा ब्लॉग्स हैं। हम तो जब खाली बैठते थे तब पढ़ते थे हम, मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था पढ़ने का। हाँ, बहुत सारा है, आप पढ़ सकते हैं। लिंक्डइन में तो खासकर मैंने देखा नहीं अभी तक, बट बहुत सारा साइट है और उस पर भी पढ़ सकते हैं आप, जरूरत पड़े तो मैं बता दूंगा आपको एक दो साइट। और पढ़ने के लिए कोई टाइम नहीं होता, हम तो कभी भी पढ़ते थे। रात में नींद खुल जाता था तो पढ़ने बैठ जाते थे, मेरा ऐसा था क्योंकि चाहिए था मेरे को कुछ ऐसा जिस पर प्राउड फील हो अपने आप को। बस एक ही शॉर्टकट है, पढ़ते रहो आगे बढ़ते रहो। पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेबर हार्ड। हाँ, लेकिन हाँ बहुत मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ऑलरेडी सब बोलते हैं, बहुत लोग ऐसे फिल्म हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके लिए जगह है, लेकिन बस थोड़ा सा नॉलेज गेन करना पड़ेगा पढ़ के। ऑलरेडी मेरा है, जस्टिफाई करना है तुमको, तुमसे बेहतर तुमको कोई नहीं जानता है,
वो इंटरव्यूअर भी नहीं, ठीक है, तो तुमको कैसे जस्टिफाई करना है? अगर अपने आप को तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते हो तो फिर मेरे लिए तो फिर बेकार बात है, तब तो सबसे बेकार। तुमको कैसे जस्टिफाई करना अपने आप को, क्यों गैप था तुम्हारा, वो जस्टिफाई तुमको करना है हमेशा। मेरे को तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया, तुम्हारा बीकॉम है फिर तुम एमबीए ग्रेजुएट हो वो बी एच आर एंड फाइनेंस, तो फिर पीएम में क्यों हो तो अभी तक? कैरियर गैप जो होता है मैक्सिमम पीपल के साथ रहता है, मैक्सिमम जॉब सीकर्स के पास रहता है। किसी किसी का एजुकेशनल कैरियर गैप होता है तो किसी किसी का प्रोफेशनल लाइफ में कैरियर गैप होता है। मगर हाँ, इसको एलिमिनेट कैसे किया जाता है, मतलब उसको निकाला कैसे जाया जाता है? हालांकि हम लोग कैरियर गैप को तो निकाल नहीं सकते, मगर हाँ उससे ओवरकम करके, उसको छुपा के या उसको मोटिवेट करके इंटरव्यूअर के पास हम लोग कैसे पहुंचा जा सकता है, ये तुमसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। बट यस, वी कैन एबल टू ऑफर यू और वी कैन एबल टू इंसिस्ट यू द रूट एंड द रूट मैप, कैसे करना है वो बता सकते हैं, मगर हाँ उसमें कितना मसाला डालना है वो आपके ऊपर है। जैसे सीधी सीधी कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, मार्केट में मसाला अवेलेबल है मटन करी या पनीर बनाने के लिए, मगर पनीर तो बनाना आपको है, 2.5 किलो का पनीर बनाना है या 250 का पनीर बनाना है वो तो आपका रिक्वायरमेंट है। तो उसमें एक पैकेट का मसाला डालना है या एक चुटकी भर का मसाला डालना है, ये आपके ऊपर है, समझे? सो आज का फोरम को यहीं रखते हैं एंड लेट्स have a couple of information from my side before closing the session. Definitely all peoples are gathering over here, for that we are thank you very much, aap log yahan par ho and is session ko arrange karne mein hum logo ko bhi bahut time laga hai, we are keep chasing to Ajay to reach out over here because his time is also precious and after a long time probably hum log 2 ya 2.5 mahine se chase kar rahe hain Ajay, right, इस सेशन को अरेंज करने में, एंड फाइनली वी डिड इट। सो अजय यहाँ पर अवेलेबल है, उनका सक्सेस के लिए लेट बी ए क्लैप एंड राउंड टुगेदर। ओके अजय, थैंक यू, थैंक यू सर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम एंड आई एम हाईली ओब्लाइज्ड एंड वेरी मच हैप्पी फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सर, थैंक यू।